हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। फार्मा ट्रेनो देखने वाले सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल सेल्स में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल बहुत ही क्रूशियल होता है और इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कुछ चीज़ें जाननी बहुत जरूरी होती हैं। खासकर जो नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में आते हैं उन्हें कुछ चीज़ें जाननी बहुत जरूरी होती हैं और इन सारी चीज़ों को आज मैं समराइज करके लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन टर्म्स यूज्ड इन वर्किंग बाई अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा वर्किंग में कौन कौन से कॉमन टर्म्स यूज किए जाते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो के शुरू में पहला टर्म हमारा है DCA, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर कॉल एवरेज। इसको हम बोलते हैं डॉक्टर कॉल एवरेज। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कंपनियां एक सेट ऑफ डॉक्टर्स होते हैं और उन सेट ऑफ डॉक्टर्स को विजिट करना होता है। डॉक्टर कॉल एवरेज मंथली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होती है और ये 11 to 13 डॉक्टर पर डे हो सकती हैं, यानी 11 टू 13 डॉक्टर को विजिट करना होता है और इसको DCA बोलते हैं। इसके साथ ही हमारा दूसरा टर्म है CCA और इसको बोलते हैं केमिस्ट कॉल एवरेज। इसको बोलते हैं केमिस्ट कॉल एवरेज। जैसे कि डॉक्टर विजिट कंपलसरी होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, वैसे ही केमिस्ट विजिट कंपलसरी होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए और इसको भी मेंटेन करना होता है। और मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में 5 to 7 केमिस्ट कॉल एवरेज मेंटेन करना होता है। अगला है आपका DCR, इसको बोलते हैं डेली कॉल रिपोर्ट। फ्रेंड्स, DCR का फुल फॉर्म होता है डेली कॉल रिपोर्ट्स। और जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दिन भर जो काम वो करते हैं उसको DCR एंट्री के थ्रू से डेली कॉल रिपोर्ट बनाकर उन्हें सबमिशन करना होता है, इसको हम DCR बोलते हैं। इसके बाद आता है MCR। MCR का फुल फॉर्म होता है मास्टर कॉल रिपोर्ट। MCR फ्रेंड्स का फुल फॉर्म होता है मास्टर कॉल रिपोर्ट। और इस मास्टर कॉल रिपोर्ट में जो भी हमारे सेट ऑफ डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारे सेट ऑफ कस्टमर्स हैं, उन सारे कस्टमर या डॉक्टर्स की डिटेल्स होती हैं। केमिस्ट और डॉक्टर की डिटेल्स हमारे MCR में पाई जाती हैं। MCR डॉक्टर्स की 200-225 हो सकती हैं, वहीं केमिस्ट की MCR 100-125-150 हो सकती है। तो और जो भी हम DCR या DCA या CCA मेंटेन करते हैं उसको मास्टर कॉल रिपोर्ट से ही मेंटेन करते हैं। इन्हीं जो डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं या केमिस्ट यहाँ अवेलेबल होते हैं उन्हीं केमिस्ट को हम यहाँ यहाँ रिपोर्ट करते हैं। अगला आता है कोर। कोर वे सेट ऑफ डॉक्टर होते हैं जिनको हमें मंथली 1 विजिट करना होता है, इन्हें कोर कहा जाता है, कोर डॉक्टर्स बोलते हैं। इसके साथ ही आता है अगला हमारा सुपर कोर। ऐसे डॉक्टर जिनको हम 2 to 3 मंथली विजिट करते हैं ऐसे डॉक्टर्स को हम सुपर कोर विजिट बोलते हैं, सुपर कोर डॉक्टर्स बोलते हैं। अगला टर्म आता है आपका हेडक्वार्टर वर्किंग। जिस टेरिटरी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एम्प्लॉयड किया गया है उस टेरिटरी में अगर वो कार्य करता है तो उसको बोलते हैं हेडक्वार्टर वर्किंग। जैसे अगर किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वर्किंग टेरिटरी लखनऊ है और वो लखनऊ में ही वर्किंग करता है तो उसको उस दिन की वर्किंग को हेडक्वार्टर वर्किंग के नाम से जानेंगे। इसके बाद आता है एक्स स्टेशन। एक्स स्टेशन वर्किंग ऐसा वर्किंग एरिया है जहाँ पे टेरिटरी से कुछ दूरी पे जा करके अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग करता है विद इन अ रेंज 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जो एरिया उसको असाइंड होता है उसको हम एक्स स्टेशन वर्किंग बोलते हैं। इसके साथ साथ आउट स्टेशन वर्किंग, अगला आता है हमारा आउट स्टेशन वर्किंग। आउट स्टेशन वर्किंग एक ऐसा वर्किंग है जिसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी टेरिटरी से बाहर जाके कार्य करता है या दूसरे की टेरिटरी में कार्य करता है या बोल सकते हैं कि मीटिंग वगैरह में जब जाता है तो उसको आउट स्टेशन वर्किंग के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। इसके बाद आता है अगला टर्म YPM। और YPM का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ईल्ड पर मंथ।
YPM का फुल फॉर्म होता है यील्ड पर मंथ, यानी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक महीने में कितने रुपए का बिजनेस प्रोवाइड करा रहा है उसको ही यील्ड पर मंथ है। अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 5 लाख का बिजनेस 1 मंथ में देता है तो उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का YPM 5 लाख रुपीस हो जाएगा। YTD यील्ड टिल डेट, YTD मोस्टली ईयरली बेस पे निकाला जाता है, और यील्ड टिल डेट यानी आज के दिन तक कितने ईयरली या मंथली जो भी है डाटा, आज के डेट तक कितने की आपने बिजनेस मार्केट से निकाल लिया है उसको हम YTD के नाम से जानते हैं। परसेंटेज परफॉर्मेंस मंथली टारगेट का कितना परसेंट बिजनेस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करता है वही उसका परसेंटेज परफॉर्मेंस होता है, और परसेंटेज परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए सेल्स अपॉन टारगेट इनटू 100, तो सेल्स अपॉन टारगेट इनटू 100 हम कर देते हैं तो परसेंटेज परफॉर्मेंस निकल के सामने आ जाती है। ग्रोथ मोस्टली फार्मास्यूटिकल सेल्स में बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है, और ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए लास्ट ईयर या लास्ट मंथ पे जो भी एडिशनल बिजनेस हम लेते हैं उसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कि अगर लास्ट ईयर हमारा सेल या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सेल 2 लाख रुपए था और उसने नेक्स्ट ईयर 2,10,000 किया तो उसको 10,000 का ग्रोथ वहाँ पे दिख रहा है। तो ग्रोथ को ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रोथ हमें एक ग्रोथ बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। सो फ्रेंड्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ये कॉमन टर्म्स आपकी वर्किंग को बहुत ही इजी बना देंगे। इन सारी टर्म्स को आप याद करिए, उन्हें समझिए और उनके अकॉर्डिंग अपने वर्क को करिए, आपका वर्क निश्चित ही बहुत ही बेटर हो जाएगा। फ्रेंड्स, फार्मा ट्रेनो के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, और हमारे चैनल पे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, या कि चाहे कि आपको फार्मास्यूटिकल सेल्स से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल टर्म से रिलेटेड, या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वायरीज है तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, जिससे हम अपने अगले वीडियो में आपके उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। फ्रेंड्स, फार्मा ट्रेनो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।